शराब की बंदी थी महरनिया में। अवधेश सोनकर, चंदन सोनकर और अजय सोनकर का मकान है। यहाँ सूचना मिली है ठेके की शराब कहीं से ला के और मोहल्ले में बेच रहे हैं उसको। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली साहब ने यहाँ दबिश दिया तो भारी मात्रा में शराब मिली हुई है, बरामद हुई है। कुछ लोग, दो तीन लोग थे जो पीछे से फेंक फेंक के भीतर से ताला बंद करके भाग गए। तलाशी लिया गया तो उसमें भी काफ़ी खाली कार्टून, कुछ शराब और पैकेट उनके मिले हुए हैं। उनको गिन के और फिर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये कौन लोग थे सर? ये नाम तो बताया आपको अभी। सर, ये गिरफ्तार हैं इसमें? तीन लोग गिरफ्तार हैं अभी और तीन चार लोग भग गए हैं इसमें। सर, देखा जा रहा शहर में अन्य भी कई जगहों पर इस तरीके से जो वारदात है वो अंजाम दिया, गली गुच्चे में और मोहल्लों में इस तरीके से काम किया। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके पकड़ा है। सर, घर के अंदर ही दुकान खुली थी? दुकान नहीं खोले हैं, वैसे अवैध रूप से लाके उसको बेच रहे थे मोहल्ले में। क्वांटिटी होगी सर? अब ये टोटल 8-10 पैकेट तो हमारे सामने थे, बाकी टोटल करके अभी आपको बताया जाएगा। लगभग क्या होगा मैक्सिमम? अब कीमत इसकी जोड़ के आपको बता पाएंगे, अभी तुरंत नहीं बता पाएंगे। ठेके की सरकारी देसी ठेके की शराब है, वहाँ से लाके यहाँ बेची जा रही थी अवैध रूप से। सर, आबकारी अधिकारी भी नहीं पहुँचे अभी मौके पर? तो आएंगे वो, उनको बताया जाएगा, उनको सूचना नहीं थी, उनको सूचना दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आएंगे। गत्ते पे लाइट मारी जरा। बस बस, ये धंधा हो रहा है। अभी कोई मर जाएगा तो सब पुलिस वाले सस्पेंड होंगे। मदद करने के लिए उठाइए इसको, कार्टून उठाइए, धीरे धीरे बाहर करिए। Thank you.